कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, कृषि दर्शन में तुम्हारे मन के बहुत बहुत स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी आज तो मैं ही की हूँ का भाटा भाटा सबो साग मा राजा सबो साग के संगवारी, भाटा सबो साग मा राजा सबो साग के संगवारी। अजी अमटहा बना ले मसलहा बना ले, अरे भैरता मामा जा भारी जी मोर संगवारी। भाटा भाटा सबो साग मा राजा सबो साग के संगवारी, भाटा के खेती गजब लाभकारी। हाँ संगी हो, तुम्हारे मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो, तुमन जाना था कि भाटा एक ऐसे साग आए जिन लते हैं सबो साग के संगवारी बना ले, मसालहा बना ले, आमटहा बना ले, भैरतम बना ले और संगे संग में आड़बड़ दिन ले ताज़ा घलो रही थे संगी हो। और भाटा में बीमारी उमारी घलो है उतने ज़्यादा नहीं लगाए, ऐसे बात बिल्कुल पूरा संभावना हमारा है। तीन 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 चार चार प्रकार के भाटा होते, कल्याणी भाटा है हमारे, जो सिंघी भाटा है, गोलइंदा भाटा है। अब ये भाटा केवल कुछ अलग क्षेत्र भर में नहीं, पूरा भारतवर्ष में बहुत प्यार से खाए जाने वाला सब्जी है। एमा बहुत अकन विटामिन घलाव रहते, जतका गहरा रंग रही उतको गहरा गहरा विटामिन घलो होते। और संगी हो, एकर खेती से बहुत लाभ जो है अगर आधुनिक तरीका से करे जाए तो मिलते। तेखर स्थिति आज हम आप मल्ला भाटा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में जो उन बढ़िया रिसर्च करके विषय में जो करे हमें वो डॉक्टर आर आर आनंद जी जी हैं। ये उद्यानिकी विभाग के विकास अधिकारी आए पोखरा और गरियाबंद के। तो आर आर आनंद जी से हमारे जो भाटा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एक जानकारी ले से पहली आवा एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, और ये पशुधन विकास विभाग भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैसे उपयोग करना है ये ओकर सॉफ्टवेयर है, और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और हमारे जो पशुधन विकास में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़े रोल अदा करत है। हमन हाँ जो पशु के जो नस्ल सुधार है जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान हम करत हन, तो हमला आगे ये जानना जरूरत है कि वो कृत्रिम गर्भाधान किस तारीख में हुई से, वो गाभिन हुई कि नहीं हुई से कला हमला जांच करना रहते 21 दिन 42 दिन और 90 दिन में। ओकर बाद जब वह 9 महीने बाद जब जनते ओकर बाद हमला ये भी देखना रहते कि भाई ये मेल हुई कि फीमेल हुई, और जे नस्ल के बीज डाले है वही नस्ल के पैदा हो है या नहीं हो है। तो एक प्रकार से ये कृत्रिम गर्भाधान के जो संपूर्ण जो सफलता है और ओकर जो मॉनिटरिंग है ये ओकर सॉफ्टवेयर है जेकर माध्यम से हमारे मॉनिटरिंग करता है। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है, जय जोहार। अब तो संगी हो, जैसे तुमन जाना तो आज के हमारे विषय है कि भाटा के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए। तो हमारे विशेषज्ञ जी आगे हमें आर आर आनंद जी है, तो आवा उनसे पूछन कि ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो मौसम है तेन, और यहाँ के जो जमीन है तेन, और संगे संग में भाटा के खेती के महत्व का है पहले ये जान लेते हैं। जलवायु के देखते हुए यहाँ जो है ये जमीन रेतीली जो है, रेतीली ज़मीन है, इसमें जो है बैगन की फसल बहुत अच्छा से, सब्जी की खेती सुगमता से होता है। और बैगन की फसल जो है एक ऐसी फसल है जिसमें किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाता है। जलवायु को देखते हुए बैगन की खेती होती भी है बहुत जगह, बहुत विकास खंड में इसको जो है लिया जा रहा है। दूसरी ज़मीन में भी सुगमता से होता है, खकरीली पथरीली ज़मीन को छोड़ के बाकी सभी फसल ज़मीन में बैगन की फसल अच्छे से होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु की उपयोगिता देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर, अंबिकापुर, बीजापुर, नारायणपुर, आपका जो है बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सभी ज़िलों में बैगन की खेती सुगमतापूर्वक होती है और सभी जगहों में बैगन की खेती की फसल ली जा रही है। एक बात आओगे संगी हो कि बिन माटी के तो कुछ उपजे नहीं, लेकिन माटी के पहचान करे से, माटी के परीक्षण करे पर कुछ महत्व है का आवा जानी। बैगन की फसल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि जो है दुमट
रेतीली दुमट है, इसमें अच्छे से जो है फसल होती है, उसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। बाकी मिट्टियों में जैसे डोरसा है, कन्हार है, उनमें भी जो है अच्छे से ली जा सकती है। हमको फसल को ज़रूरत DAP की है, हम लोग यूरिया डालते जा रहे हैं। ज़रूरत पोटाश की है, हम जो है यूरिया डालते जा रहे हैं। उससे क्या है, फसल में कीड़ा बीमारी ज़्यादा पनपता है और किसान को फायदा की जगह में घाटा होता है। अब संगी हो तुम जानता हो कि कोनो भी फसल लगाए के पहली भूइया ला तो तैयार करना एकदम जरूरी होते, लेकिन सब अलग अलग फसल के तैयारी जो उन्हें तेन अलग अलग ढंग से करे लगते। तो भाटा लगाए पर हमला खेत ला कैसे तैयार करना है, का एम मांदा बनाएल पड़ी का? मांदा अगर बनाबो तो कतका ऊँच रहा है, कतका दूरिया में रहा है, और खेत ला कतका गहिर जोतना चाहिए, आवा इहुल पूछ लेते हैं। पहले गहरी जुताई से प्लाऊ हल से एक बार खेत को जो है कम से कम 5 इंच 6 इंच जुताई करना चाहिए। उसके बाद कल्टीमीटर से 2-3 जुताई करना चाहिए। उसके बाद पाटा लगा के खेत को समतल करना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें क्यारी जो है बनाना चाहिए, 2x4 मीटर या 4x10 मीटर की क्यारी बना के बैगन की फसल जो है लगा सकते। मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है कि मिट्टी क्षारी है या अम्ली है, और उसकी जब रिपोर्ट आती है जांच कराने के बाद तो उसमें ये भी पता लग जाता है हमको हमारी ज़मीन में कौन सा खाद हमको डालना है। तो ज़मीन की जो है pH मान की जांच कराना चाहिए, मिट्टी परीक्षण, और ये कृषि विभाग में सुविधा है और ये निःशुल्क होती है। तो बताइए संगवारी हो कि बढ़िया जोतना और मांदा जो है तेन भाटा भर बहुत ज़रूरी होते। अब तीसरिया बात जो नाथे तो उन बीजा का थे संगी हो, का वर के बिना बीजा के अच्छा बीजा के हम अच्छा उत्पादन कभू लेच नहीं सकन, और वही तो आधार है। तो एमा भाटा लगाए के पहली हमला कौन कौन प्रकार के बीजा एकर बर हमार छत्तीसगढ़ बढ़िया लगी, और नर्सरी अगर कहूँ लगाना है तो नर्सरी कैसे लगाई, बीजोपचार के कुछ महत्तम है का, बीजा के उपचार कैसे करे जाए, ये तीनों चारों बात ला जान लेते हैं संगी हो, बढ़िया बताई आवा देखिन। बैगन फसल में जो है लगाने के लिए इसको नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने से बीज का जो भी बीज आपके पास उपलब्ध है, चाहे वो हाइब्रिड हो, ओपन वैरायटी हो या सामान्य बीज हो, जो भी हो, उसका बीजोपचारण करना अति आवश्यक है। इसके लिए जो है 1 किलोग्राम बीज के लिए 3 ग्राम दवा उसमें लगता है, बाविस्टीन नाम की दवा से उसको उपचारित कर सकते हैं, और उसके बाद बैगन की थरा डालते हैं। उसमें किसान की इच्छा के ऊपर है, किसान हाइब्रिड लगाना चाहता है, किसान ओपन वैरायटी लगाना चाहता है। बैगन की मुख्यतः 4-5 वैरायटी हैं, जैसे कल्याणी बैगन, आपका PPC जो जिस खेत में लगा हुआ है, PPL पूसा पर्पल लॉन्ग, ये बैगन थोड़ा सा लंबा आता है और फसल ज़्यादा मात्रा में आती है। आपका जो है क्रांति, आपका गोल बैगन, इस तरह से किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि किसान कौन सी वैरायटी को यूज करता है, हाइब्रिड या ओपन, उस हिसाब से किसान को चयन करके और बीज को उपचारित करके और उसकी थरा डालना चाहिए। 25 से 1 महीना के अंदर थरा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उसको खेत में रोप सकते हैं। अलग अलग सत्र वाइज करते हैं, जैसे खरीफ मौसम है, रबी मौसम है, जायद मौसम है। तो यदि खरीफ मौसम में आप लगा रहे हैं तो उसको 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर में पौधा का रोपण करते हैं, 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी, 2 फीट पौधा से पौधा की दूरी। तो फसल बरसात मौसम में ज़्यादा फैलती है, तो और जो है 60 सेंटीमीटर में पौधा रोपण करने से सूर्य का जो प्रकाश है अच्छे से मिलता है, कीड़ा बीमारी कम लगता है और फसल अच्छे से आती है। थरा को 2 इंच गहरा, 1.5 इंच 2 इंच गहरा लगाना चाहिए, और लगाते समय यदि बाविस्टीन में उसमें 1 लीटर घोल में उसको घोल के उसकी जड़ों को डुबा के लगाते हैं तो जो है बैगन में उकटा बीमारी नहीं लगती है। सभी प्रकार के बैगन में ये करना चाहिए। बाद में ये जो बीमारी लगती है तो कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि जड़ से लगने वाली बीमारी है और किसान उस पर छटपटाता है, बहुत सारी दवाई में पैसा बर्बाद करता है, लेकिन असर नहीं होता।
बिन पानी के कहाँ जिनगानी संगवारी हो। तो वैसे हमारे जो भाटा है तुमन जाना था कि यार अभी बताई समझ रही डॉक्टर साहब है कि आड़बर पूरा साल भर तक के फर दे ये चीज़ आए है एक बेर लगा ले तो हाँ साल भर टूरत रहा। तो ये भाटा पर पानी जो नहीं तेन कतका लगी कब कब लगी कतका कतका मात्रा में दे बर लगी मौसम के हिसाब से पानी घलो अलग अलग दे लगी का और पानी दे के जो बहुत अगन विधि थे सबसे बढ़िया विधि का है आवा जान लेते संगी। पानी देने की जो सिस्टम है या पद्धति है बरसात सीजन में फसल लगाने से बरसात गिरती है तो उस समय ज़्यादा पानी देने की समस्या नहीं होती है और यदि बादल खुलता है मौसम खुला रहता है तो आपको हर 10 दिन 15 दिन के अंदर में सिंचाई करना चाहिए और गर्मी में हर 5वें दिन चाहे बैंगन फसल हो चाहे भिंडी फसल हो चाहे कोई दूसरा फसल हो हर 5वें दिन आपको पानी पलाना पड़ेगा। एक तो फ्लैट पलाते हैं बोर चालू कर दिए खेत में भरते जा रहे हैं तो इसमें अनावश्यक पानी बहुत खर्च होता है और इसमें एक स्प्रिंकलर भी है फब्बारा सिस्टम और सबसे अच्छी विधि है ड्रिप इरीगेशन टपक सिंचाई योजना। इसमें भी शासन की योजना है 50% अनुदान है तो किसान उसका लाभ लेके अपने खेत में लगवा सकता है। पर हेक्टेयर में 1 लाख के समथिंग खर्चा आता है और उस विधि से पानी देने से फसल का उत्पादन बढ़ जाता है और कम पानी में ज़्यादा एरिया की सिंचाई होती है। संगी हो हमारा आज की जो ये चर्चा है कि भाटा के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए और कैसे फायदा कमाया जाए तो चर्चा चलती रही आवाले ले थन एक छोटे से और संदेश। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा। ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। जी हाँ ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश चलो अपनाएं स्वरोजगार खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से
फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संगवारी हो, तुमन जाना था कि उत्पादन भर और जीवन भर भोजन बहुत जरूरी होते, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे जीव हो, चाहे कुछ हो, संगी हो. तो अगर ध्यान से सोचे जाए तो हमारे मन के शरीर एक भोजन के ढेरे तो आए, तो इसने हमारे जो ये बैगन के पौधा है ये ला भोजन माने खातु. तो एक बार खातु कौन कौन से देल लगी, कौन कौन मात्रा में देल लगी, शुरू में कतका देना है, बीच में कतका देना है, आखिरी में कतका देना है, और कौन सा खातुला दे से ज़्यादा बढ़िया हमला फल जो नहीं चिकन और सुंदर मिली, आवाज ले जान लेते संगी. फसल लगाते समय DAP खाद 50 ग्राम पर पौधा में देना चाहिए गोबर खाद के साथ में, और उसके बाद जैसे ही फसल खड़ी हो जाती है, फसल में 4-4 पत्ते आ जाते हैं, तो उस समय फिर DAP का जो है यूरिया और सुपर फास्फेट है उसको डालना चाहिए, साथ में पोटाश भी डालना चाहिए. पोटाश खाद बहुत ज़रूरी है, पोटाश खाद से फसल जो है कीड़ा बीमारियों से बची रहती है, फसल में कड़वापन आता है इसके कारण कीड़ा बीमारी कम से कम लगती है. बैगन में सर जो है ये कम से कम 4-5 महीने की फसल है, और बैगन जब तक फलता रहता है तो आपको जो है हर 20 दिन बाद जो है खाद जो है देना चाहिए. संगी हो, ये संसारे है पूरा जीव मन के एक प्रकार के कहना चाहिए आश्रय स्थल है. 84 लाख प्रकार के जीव जो है तो उन दुनिया में हवें, तो पक्का है कि भाटा जो है तेकर फसल में कोनो कोनो प्रकार के रोग राई तो लगी सकत है, लगबेज करते हर चीज़ में, तो कहूँ एम लगते कि नहीं लगे, या कतका कन मात्रा में लग जाते, या कौन कौन से ऐसे बात हम ध्यान में पहली से रखे रही वो तेम हमारे में रोग बीमारी नहीं हुई, और मान लो रोग बीमारी हो गए हमारे भाटा मन में, तो ओखर मन के लक्षण का हो ही कैसे चीनबो, और कहूँ आई गए पूरा बीमारी है तो अखर इलाज कैसे करो, ये सब बात में जानना जरूरी ना संगी हो. तो आओ भाटा के रोग प्रबंधन कैसे करे जाए हमारे विशेषज्ञ जी से जान लेते हैं. बैगन में एक तो फ्रूट बोरर लगता है, स्टेम बोरर लगता है, तना में छेद करके कीड़ा अंदर घुस जाता है, फल में छेदा करके कीड़ा अंदर घुस जाता है, तो ये कीड़ा लगता है. दूसरा जड़ से लगने वाली बीमारी, यदि आप थरा रोपते समय बाविस्टीन घोल के उसकी जड़ों को डुबा के रोपते हैं, तो ये जो है जो बैक्टीरिया विल्ट और निमेटोड की बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है. किसान के खेत में जब ये बीमारी लगती है तो किसान देखते देखते अपनी फसल को खो देता है,
और हताश होकर बैठ जाता है, कुछ नहीं कर सकता। ये जो बीमारी है निमेटेड और जो है बैक्टीरिया विल्ट, ये जब तक जब फूल और फल नहीं आता तब तक पहचाना नहीं जा सकता। जैसे ही फूल और फ्लावर की स्टेज में पौधा आता है उस समय पौधा धीरे से सूखना शुरू होता है। और सूखना क्यों शुरू होता है, इसका जो है अंदर से जो है बैगन का पौधा पौंडा रहता है, पोला भाग रहता है, उसमें जाइलम फ्लोए में रहते हैं, वो चौक हो जाते हैं। तो नीचे से पौधा तरल रूप में भोजन लेता है, वो पौधा को ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए पौधा जो है अभाव में सूखना शुरू कर देता है और देखते देखते पौधा मर जाता है। कीड़ा जैसे लगा हुआ है तो आप देख के ही पता कर सकते हैं, आपको केयर करना पड़ेगा, आपकी फसल को देखना पड़ेगा हमारी फसल ठीक है कि नहीं है। यदि कीड़ा लगा हुआ है तो उसमें आप दवा डालिए, 1 लीटर में 2 ml दवा, कोई भी कीटनाशक दवा डाल सकते हैं और फसल आपको बचा सकते हैं। अब हमारा भांटा बिल्कुल फर के तैयार हो गए हैं, अब ये तोड़ना है, तो तोड़े एक बेर में कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, अब एला भंडारण कैसे करना चाहिए, और भंडारण के कोई और नवा विधि घलो आए का, अपन घर में घलो भंडारण हो सकते का, अब ये बात ले जान लेते हैं संगी हो। बैंगन की फसल जैसे तैयार हो गई, तोड़ने लायक हो गई, तो अक्सर करके लेबर लोग तोड़ते हैं, और बैंगन को सावधानी पूर्वक झटका दे के नहीं तोड़ना चाहिए, बैंगन को ऐसे घुमाते हुए तोड़ना चाहिए ताकि पौधा के जो छोटे छोटे फूल हैं और छोटे छोटे फल हैं उनको नुकसान न हो, वो गिरे नहीं और आपका फसल भी टूट जाए। और तोड़ने के बाद में आपको कैरेट में रखना चाहिए, और कैरेट में रख के कैरेट में ही आपको बाज़ार में गाड़ी में लोड करके मार्केटिंग करना चाहिए। यदि शासन की एक योजना है, आप जो है फसल आपने तोड़ ली और मार्केट में रेट नहीं है, तो जो है आप उसको आप अपने घर में एक भंडारण कक्ष बनता है शासन की योजना के तहत, उसको बनवा सकते हैं। उसमें 2 लाख रुपए का अनुदान है, 50% शासन का है, 50% किसान का है। किसान को वो कमरा बनाना होता है और उसमें एक ठंडा करने वाली एसी विभाग देता है ताकि जो है फसल को तोड़ने के बाद उसमें रख सकें, फसल आपकी सुरक्षित रह सके। आप 2 दिन आपको रेट नहीं मिल रहा है तो आप उसको भंडारण करके रख सकते हैं, 2 दिन के बाद में आप फसल बेच सकते हैं। संगी हो एक बात बढ़िया अच्छा बताई से कि हम ना अगर भंडारण चाहन तो अपन घर में घलो एक एसी रूम बना सकत हन, सरकार के इसे योजना है कि इसे, तो ये बात बड़ा ध्यान से तुम सुने हो देखे घलो हो, तो तुह मन हा अगर अपन अच्छा दाम नहीं मिलत है तो भाटा पर भंडारण के लिए कक्ष जो है तेरा अपन घर में बना सकत है संगी। अब आगे जरूरत सबसे महत्तम के बात ये कि किसान भाई या आन फसल छोड़ करके भाटा या इसने भाटा लगा थे तो ओला एकड़ पीछू खर्चा कतका जही, खर्चा बहुत जरूरी चीज़ है, बिना तो कुछ काम होए नहीं, और वो खर्चा होए माँ के बाद में वहाँ हमला फ़ायदा कतका हो सकत है, यू जान लेते संगी हो। 1 हेक्टेयर में सर लागत 75,000 के आसपास आता है, और जो है फसल अच्छे अच्छे से निकल जाए, बैगन की फसल कीड़ा बीमारी या निमेटोड बैक्टीरिया विल्ट ना लगे, तो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख 1 हेक्टेयर में आप फसल बेच सकते हो। उद्यान की जो योजना है बहुत अच्छी अच्छी योजना है, इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक योजना है जिसके तहत बैंगन की फसल पे, धनिया की फसल पे, आपका नींबू की फसल पे, प्याज की फसल पे, बहुत सारी अलग जिलों में से संबंधित हैं, जहाँ जहाँ जो है जलवायु के मुताबिक जो फसल अच्छा होता है उस ज़िले में वही फसल जो है लागू करवाते हैं और उसमें अनुदान रहता है। जैसे बैंगन की फसल में 20,000 पर हेक्टर अनुदान रहता है, तो किसान उसको फार्म में भर के अपना नक्शा खसरा विवरण, आधार की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, एक फ़ोटो लगा के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पास में, जो आपके एरिया का ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है या उद्यान विस्तार अधिकारी है, उनसे संपर्क करके उनके पास जमा करें और योजना का लाभ लें। ये योजना सबके लिए है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि SC को दिया जाएगा, ST को दिया जाएगा, सामान्य को दिया जाएगा, जो अच्छे से खेती करता है उसको सभी को जो है दे है। तो संगवारी हो ये तो रहीस कि भाटा के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए तेखर हर प्रकार के जानकारी, और संगे संग में जो भाटा के खेती ला करके फायदा कमाए तेनो किसान के अनुभव दोनों चीज़ ला देखे संगी हो। हमला विश्वास है कि तुम जरूर फायदा उठाऊ, अब
जाए के बेरा राम राम ले लौगा जाए के बेरा फेर भेंट होही कृषिक दर्शन होही फेर भेंट होही कृषिक दर्शन होही अरे जी भर के गोठिया बो समस्या ला सुलझाबोगा राम राम ले लौगा जाए के बेरा। जय जोहार।